अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो चार्टिंग के लिए तो यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक तरफ है हमारा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल और दूसरी तरफ है फायर्स का टर्मिनल। आप इसका यहाँ पे लाइव फिट को देख लेना कि ये जो फायर्स का है यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू का है वो रियल टाइम में थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा है, और कभी कभार मार्केट में अगर बढ़िया मूव आता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा रहा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है यहाँ पे आपको डाटा थोड़ा डिले मिल जाता है। थोड़ा डिले का मतलब होता है कि शायद 5-6 सेकंड या 2-3 सेकंड का डिले भी यहाँ पे डाटा मिल जाता है, और जो ब्रोकर का टर्मिनल होता है वहाँ पे रियल टाइम एक्यूरेट डाटा मिलता है। तो ट्रेडिंग व्यू इसके बारे में क्या बोलता है? तो ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है और ये बोल रहा है कि कुछ एक्सचेंज का रेगुलेशन है तो उस वजह से ये रियल टाइम डाटा में थोड़ा डिले आ रहा है, और ये भी बोल रहा है कि अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेंगे तो आपको वो रियल टाइम डाटा एक्यूरेट टाइम पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए।